जल्दी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जगह उपरला किया है, ये बहुत ही वधिया योग उपरला है, क्योंकि मैडिकल चैकअप का होना बहुत जरूरी है। आपां नूं कई बीमारियां सिर्फ इस करके लग जांदियां भी आपां अवेयर नहीं होंदे, पर उहदे करके आपां कि आपां टैस्ट नहीं कराउंदे, आपां चैक नहीं कराउंदे हाँ, पर उहदे करके उह बीमारियां अंदर अंदर वध भी जांदी है, ते जदों आपां नूं पता चलदा है उह बीमारी बड़ा खतरनाक धार कर लैंदी आ। इस करके जिहड़ा इहनां ने कैंप लाया, बकायदा टैस्ट भी करदे ने ते दवाई भी फ्री दिंदे ने, और उहदे नाल लोकां नूं पता चलदा भी असीं कित्थे खड़े आ, कित्थे खड़े। बहुत सारियां बीमारियां इस करके हो जाने भी साडा लाइफ स्टाइल आ जिहड़ा उह इदां दा बन चुक्या है, कि उहदे नाल अपने आप ही बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रैशर, स्ट्रैस बहुत आ, साडा खाण पीण का तरीका ऐसा हो गया, सैर सपाटा नहीं हुंदा है, सो रहन सहन दे नाल बहुत सारियां जिहड़ियां बीमारियां ने उह आउंदियां भी ने। तरीके नाल ते चंगा तरीका होवे तां उहदे नाल नेड़े भी नहीं खड़दियां, तो इस करके ये अवेयर होना बहुत जरूरी है। अज इन्होंने उपराला किया, मैं इन्होंने शाबाश देना, धन्यवाद करना, और जो योग सहयोग मेरा होगा ये कदम भी इदा के काम करे जिथे भी करे मैं जाऊँगा भी इन्होंने हौसला अफजाई करने लिए, और फाइनैशियली मदद भी योग हो सकता मैं उन्होंने जरूर दूंगा, क्योंकि इदा के जिहड़ियां ट्रस्ट ने वो बिना लोगों के सहयोग तो नहीं चलते हैं, इन्हों का सहयोग मैं खुद भी करूँगा इन्हों का सहयोग, और लोगों को भी जोड़े अमीर बंदे ने जोड़े पैसे खर्च सकते हैं, बहुत सारे लोग ने जोड़े पैसे खर्च सकते हैं, उन्होंने पता नहीं है कि असी दान कितने करिए, साडा पैसा दिता हुआ सही जगह पर लगेगा भी कि नहीं लगेगा, तो इस करके इदा के लोग साढ़े को हैं, और असी उन्होंने यकीन भी दवा कि थोड़ा पैसा वधिया ठीक जगह पर लगेगा, और इदा के बंदे लिया के असं लोगों की सेवा में समर्पित भी करा, और उन्होंने भी जोड़ा पैसा सही जगह लगेगा, तो मैं इन्हों पूरा यकीन दवा भी इदा के काम करते रहन, और मैं यहाँ सहयोग है जोड़ा इन्होंने पूर्ण तौर पर रहूँगा। थैंक यू। सब तो पहला अपना अज मोहाली प्रेस क्लब से जो कैंप लगे मेडिकल कैंप लगे हुआ, तुसी आप भी उत्थे आयो, की कहना चाहोगे सर, किस तरह का ट्रीटमेंट इत्थे दिता जा रहा? अज जिहड़ा संडे वाले दिन 30 अप्रैल नूं प्रेस क्लब, मैं डॉक्टर सुरिंदरपाल भगत, रिटायर्ड मेडिकल स्पैशलिस्ट फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल मोहाली, तो अज जिहड़ा कैंप हैगा फ्री मेडिकल कैंप, ये जॉइंटली हैगा दुख भंजन चैरिटेबल ट्रस्ट वालों और आल इंडिया मेघ सभा वालों और प्रेस क्लब के संयोग के नाल जिहड़ा कैंप इत्थे अरेंज किया गया हैगा, इहदे विच हर तरह की बीमारी का इलाज टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्वेस्टिगेशन जिहड़ियां वो भी फ्री कर रहे हैगे। दूसरा यह हैगा कि सलाह डाइट के बारे लोगों को समझाना, शुगर, बीपी, लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन के बारे, अजकल बीमारियां जिहड़ियां अवेयरनेस ना होने करके लोगों को बहुत ज़्यादा घेर रही है, वो पता उदो चलता है जो बंदा काफ़ी डामाडोल हो जाता है, तो लोगों को असं रेगूलर कैंप महीने बाद दो महीने बाद कैंप लगाया करांगे, जिहदे विच लोगों को जनरल हैल्थ बारे अवेयरनेस, तो लेटेस्ट जिहड़ियां हुण बीमारियां चल रही हैं जिसे पिछले करोना ने बहुत सारी दुनिया का नुकसान किया, वो चीज़ों तो अवेयर करने वास्ते ये जिहड़ा मेडिकल कैंप हैगा असीं रूटीन में दो महीने बाद लाया करांगे, और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा, दवाइया भी साडे वल्लों होणगियां, इस वेली जो कोई कमी पेशी रह गई अगली बार इहनूं सुधार करांगे, होर हो सारे सिविल हस्पताल के डॉक्टर नाल लैके अच्छे लार्ज स्केल ते इत्थे कैंप लगाया जाए। सर तुसीं भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो, मतलब कि तुसीं किस तरह के इत्थे पेशेंट किस तरह की देख रहे हो, ज़्यादा करके पेशेंट किस तरह की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? मेरे को जिहड़े पेशेंट देख रहे हैं वो एक्सपर्ट मैं उही हैगा, एक तो शुगर वाले हैगे आ, दूसरा बीपी वाले हैगे आ, कोई हार्ट वाले आते हैं, उन्होंने मैं प्रोपर जो उन्हां दी दवाई चल रही है जेकर तो ठीक है तो मैं इन्होंने कहना कंटिन्यू करो, जो कोई चेंज करने की लड़ है तो वह मैं चेंज कर रहा है, तो इस करके उन्होंने अवेयरनैस मेन तो उन्होंने डाइट बारे लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन बारे वो ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। तो एक सर कोरोना की वेरियंट जी है वो बख वक्त मतलब आती रहती है, नवी वेरियंट फिर आ गई है, तो वो बारे भी जी अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अवेयर कर रहा है, तुम की कहना चाहोगे एज ए एक्सपर्ट की देख रहे इस चीज़ में कि मतलब अलर्ट होने की जरूरत है? देखो जब तक हो सके भीड़ भड़ाके वाले जगह उपर जाना अवॉइड करना चाहिए, जो कि रेलवे स्टेशन है जा बस स्टैंड वाल है जिते ज़्यादा मेले मसादियों के उत्थे थोड़ा परहेज करना चाहिए जान तो, कोई ऐसी खतरे वाली गल अजे तक कोई है नहीं, केस आ रहे हैं नो डाउट कि आल ओवर वर्ल्ड केस जे आ रहे दोबारा, ये जी वेरिएशन है म्यूटेशन जी हो रही है वायरस की, ये अपनी स्टाइल चेंज कर रहा लगातार ही अपनी जी बॉडी की शेप उन्होंने चेंज कर रहा है, वो कोई कोई अलग अलग समस्या आ रही है, हूँ जी वेरियंट आ रही है वो बड़े जल्दी जड़े है रिकवरी ज़्यादा हैगी है, खतरे वाली कोई पहले वाली गल नहीं हैगी।
घबराने वाली कोई लोड़ नहीं, अवेयरनैस जी बहुत जरूरी है। हाँ मोहाली प्रेस क्लब के मैंबरों जे एग्जीक्यूटिव मैंबर ने उन्होंने की सुनेहा देना चाहोगे जो इस तरह का उपराला उन्होंने किया है? देखो जी मोहाली प्रेस क्लब के जोड़े साढ़े प्रधान जी शाही जी हो गए है, पटवारी जी हो गए है, ये बड़े लंबे समय तो जोड़े है इस प्रेस क्लब में अपनी सेवा मोहाली के लोगों को दे रहे हैं है। और असं इन्हों भी बेनती करते हैं भी तुम रूटीन के दो तीन महीने बाद सानू याद कर लिया करो, एक कैंप लवा लिया करो, तो जोड़े प्रेस के मैंबर है उन्होंने भी सेहत का सू पता लगता रहे, तो असं उन्होंने अलर्ट भी करते रहिए, सेहत सेवाओं बारे असं उन्होंने टाइम टू टाइम जानकारी देंदे रहिए। इस करके उन्होंने असं अपील करते हैं कि तीन महीनों में घट्टो घट्ट एक बार कैंप जरूर लवा लिया करो। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है कि जेडे इतने पेशेंट अपने को ट्रीटमेंट करा रहे हैं प्रोपर, हो सकता उन्होंने अगे इलाज की लोड़ हो फिर उन्होंने लिए आप कर रहे हैं? उन्होंने वास्ते ये है कि मैं अपने जो लैटर हैड के उपर अपना एड्रैस दिता है, अपना मोबाइल नंबर दिता है, फ्री ऑफ कोर्स जो मर्जी मैं कंसल्ट कर सकते इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू।